चाचा रोवे, चाची रोवे, रोवे भैया भाभी, मदन लेकर हाजिर है खूब हंसी की चाबी आपके मोबाइल पर। एक हमारे भैया जी हैं बनारस के, रहते हैं मुंबई में। आज जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं फ्लाइट से बनारस। पहुंच गए एयरपोर्ट सामान वामान लेके। जैसे वो भैया जी एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फ्लाइट पूरा खाली खड़ा है। पीछे से चढ़ते हैं भैया जी और जैसे अंदर अंदर जाके साइड में बैठ जाते हैं। भैया जी का क्या रिएक्शन है? भैया जी जैसे ही बैठे बोले, चलो अच्छा है, पहली बार जो है जा रहा हूँ, पूरा जहाज जो खाली है कोई आया नहीं है, जो पहले जो है नंबर आ गया, पहले सीट पा गया हूँ। तभी बॉस एक एक करके सारे पैसेंजर बढ़ना शुरू हो गए, पूरा फ्लाइट फुल होने लगा। एयर होस्टेस आई, बोली एक्सक्यूज मी, हाँ भैया जी आपकी सीट आगे नहीं पीछे है, सबसे पीछे जाइए। भैया जी भड़क, अरे बहन जी जब आया रहो पूरा जहाज खाली रहा, बात कर रहे हैं हम क्या पीछे जाएं? मैंने आप किसी दूसरी जगह में बैठ गए, पीछे जाइए। इतना कहने के बाद जब भैया जी पीछे नहीं गए तो पायलट को एक आइडिया आया, उसने कान में भैया जी को कुछ बोला। इतना सुनते ही भैया जी पीछे जाके बैठ गए, फ्लाइट उड़ने लगा, सब लोग खुश। किसी ने बोला, सर आपने क्या बोला कान में? पायलट बोला, भाई उन्होंने कुछ खास नहीं बोला, अपन ने इतने ही बोला कान में, भैया जी आप सबसे पीछे जाके बैठो, इस जहाज का आगे वाला आधा भाग बनारस नहीं मद्रास जा रहा, पीछे से बनारस जाएगा।